जी, मैं क्या नाम है आपका? आशिक रजा, ऑल इंडिया मजलिस तालीम मुस्लिमीन का जनरल सेक्रेटरी, रामपुर से। क्या आज मामला है? जी, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में जो मोम लिंचिंग घटनाएँ रोज़ ब रोज़मर्रा बढ़ती जा रही हैं, उसके ख़िलाफ़ आज हमने धरना प्रदर्शन व ज्ञापन देने का प्रोग्राम रखा है डीएम साहब के माध्यम से। जी, किसको भेजेंगे ये? हम श्रीमती राष्ट्रपति मुर्मू जी को ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि इस पर कार्रवाई करें और मोब लिंचिंग पर कड़े से कड़ा कानून बनाएं, और जो ये लोग इन चीज़ों घटना को अंजाम दे रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अभी हम देख रहे हैं कि बैठक हो रही है, बैठक कहाँ पर हो रही है? ये बैठक हम आज अंबेडकर पार्क में जमा हुए हैं सब लोग, रामपुर की जो अंबेडकर पार्क सिविल लाइन रोड पर है वहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं और अपनी बात रखने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और उनसे अपील और गुजारिश कर रहे हैं कि मोब लिंचिंग की घटनाओं को, ऐसी नीतियों को और बुलडोज़र नीतियों को रोका जाए ताकि हिंदुस्तान का समाज अपने सुकून के साथ रह सके। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, हमें अल्पसंख्यक समाज कहा जाता है लेकिन हिंदुस्तान की हम दूसरी बड़ी आबादी हैं, तो ऐसी आबादी के साथ जुल्म ज्यादती ना करें, हमारे साथ हमारे लोगों को इंसाफ दें। अगर कोई गलत कर भी रहा है तो उसे कानून है, प्रशासन है, उसके द्वारा उसे सज़ा दी जाए, ना कि भीड़ द्वारा आकर कोई भी लिंचिंग कर जाए और घटना स्थल पर या रोडों पर वारदातों को अंजाम दिया जाए। फिर कानून व्यवस्था किस लिए है? कानून व्यवस्था ठीक करें, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे सज़ा दें और कड़ी से कड़ी सज़ा दें, हम उसके सख्त सख्त खिलाफ़ हैं, चाहे वो हमारा ही आदमी क्यों अगर गलत करे तो उसे सज़ा दें, यहाँ तक कि फांसी के तख्ते पर लटका दें, लेकिन भीड़ द्वारा किसी को भी ना सताएं, ना किसी को मारा जाए, ना किसी को दबाया जाए। हम ये मांग करते हैं प्रशासन से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि मोब लिंचिंग की घटनाएँ जो दिनों रात बढ़ती जा रही हैं उन पर रोक लगाई जाए और कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए।